हेलो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ये हमारी ट्रिक है फॉर डिफरेंशिएशन की, इन्फिनिटी तक अगर कोई टर्म जाता है और वो टर्म अंडर रूट के टर्म्स में है तो ऐसे कैसे सॉल्व होगा। तो अगर कोई टर्म्स हमारे, जैसे कि एक हमने क्वेश्चन ले रखा है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाए, तो इसके लिए इसका आंसर होगा माइनस साइन टू एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। तो इसको कैसे सॉल्व करा, अगर हम देख लें जनरल टर्म कॉस स्क्वायर एक्स को एफ एक्स के, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ एक्स टिल इन्फिनिटी। तो इसके लिए इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। अगर अब इसी में इसको सॉल्व करके देखें तो कैसे होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम एफ एक्स के टर्म्स में लिखें तो कॉस स्क्वायर एक्स का हमारा एफ एक्स का क्या होता है सॉल्यूशन, कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो अब देखें कॉस स्क्वायर एक्स अगर हमने एफ एक्स लेट कर लिया तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो टू आगे आ जाएगा टू कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस टू कॉस एक्स साइन एक्स, हमें पता है कि टू साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का, और इसके साथ माइनस वाला टर्म आ जाएगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस एफ माइनस साइन टू एक्स। अगर अब हम इसमें माइनस साइन टू एक्स को इस वाले फॉर्मूले में रख दें और नीचे 2y माइनस वन लिख दे तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो ही आ जाएगा। अगर अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स के टर्म्स में हो तो हम इसे आराम से लेस देन 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे समझाने में टाइम लगता है लेकिन आपको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू।